हम आप लोग को काम और समय का क्वेश्चन हल करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पांच आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आप एक फार्मूला भी जान जाइए, M1 मल्टीप्लाई D1। M1 यानी आदमी, मैन, और D से दिन, ठीक है, डेज। M1 D1 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2। इसी फार्मूले से आप इसको हल कर दीजिए। M1 कितना है? 5 है, ठीक है, और D1 कितना है? 18 है, ठीक है। M2 कितना है? 10, और D2 नहीं पता है, ठीक है, तो इसको आप D2 ही लिख दीजिए। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 18/10। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। तो D2 इक्वल टू कितना आ गया? D2 इक्वल टू 9। ये क्या है? 9 दिन में, ठीक है। तो 10 आदमी उसी काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। 10 आदमी उसी काम को 9 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। देखिए देखिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये भी जान जाइए, फार्मूले की भी जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, आप एक तरफ मैन का यानी आदमियों की जो संख्या है उसको लिख दीजिए, ठीक है, आदमी, और दूसरी तरफ क्या? दिन, ठीक है। तो आदमी कितने हैं? 5 आदमी कितने दिन में? 18 दिन में। और दूसरा 10 आदमी कितने दिन में? नहीं पता। तो आप इसको यस मानिए या फिर डी मानिए, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सीधा सीधा ऐसे कर दीजिए। 5 × 18 इक्वल टू 10 × D। तो 5 × 18/10 इक्वल टू D। देखिए दोनों सेम सेम आया ना, तो इसका भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2000 पन्ने रहना चाहिए, यहाँ पर पन्ने, 2000 पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एक तरफ मिनट लिखेंगे, एक तरफ पन्ने लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए मिनट और यहाँ पर लिखिए पन्ने, ठीक है। तो 5 मिनट में कितने पन्ने? 200 पन्ने। और क्या? 2000 पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा? समय तो इसमें बताया नहीं, आप इसको यक्स मानिए। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2000, ठीक है। आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 × x, यानी x यानी इसका उल्टा, x/5 समानुपाते इसके अनुपाते, 2000 के अनुपाते 200, ठीक है। ये भी तरीका आप जानते रहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। आप इसी को ऐसे भी हल कर सकते हो, 5 × 200 इक्वल टू x × 2000, ठीक है, दोनों सेम तरीका है। तो x/200 इक्वल टू 5 × 2000, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलिए देखिए, ये 200 गुणे में है, इधर आए क्या हो जाएगा? भाग, 5 × 2000/200, ठीक है, 1060, 1060, ठीक। तो
एक्स इक्वल टू क्या बचा, 5 × 20 और नीचे कितना बचा 2, 2 × 10 = 20। तो एक्स इक्वल टू 10 × 5 कितना आ जाएगा 50, एक्स इक्वल टू 50। तो 2000 पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा, 50 दिन लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते रहे हैं 2000 पन्ने छापने में दिन नहीं पूछा है, ठीक है, क्या है समय। तो 2000 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा, तो 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, 50 मिनट लगेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो अभी हमने ये बताया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपको क्या करना है, 5 का किसमें 2000 में और x का किसमें 200 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना, 5 × 2000 / 200। तो अब काटेंगे, ठीक है, 2 × 10 में, तो x इक्वल टू 5 × 10, ये आ जाएगा x इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में 1 स्वेटर पूरा करती है, यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करता है तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। ठीक है, तो आप एक तरफ लिखेंगे घंटे, ठीक है, घंटे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दिन। तो 4 घंटे 8 दिन में, ठीक है, और 6 दिन में कितना नहीं पता है, 6 दिन में कितने घंटे नहीं पता है, तो आपको इसको एक्स मान लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए इसका। ठीक है, देखिए 4 × 8 = x × 6, तो x इक्वल टू कितना, 4 × 8 / 6। ठीक, तो आप इसको कट कर दीजिए, कितने से डिवाइड, 2 से काट दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 × 4 / 3, तो x इक्वल टू 4 × 16 / 3, इतने घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने घंटे आ गए। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, भाग देने पे देखिए यहाँ पर 3 × 12 = 3 × 5 = 15 आया कितना 1, तो 5 सही 1/3, तो कितना आया 5 सही 1/3। प्रतिदिन बुनाई के घंटे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, प्रतिदिन बुनाई के घंटे इक्वल टू 5 सही 1/3। ठीक है, आप इसको भी आंसर कर सकते हो और ये भी आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये जो क्वेश्चन हमने कराए हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, आपको हम बार बार कह रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा और हल भी करिएगा, जहां कंफ्यूजन रहे वहां आप जरूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।